गौरव, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, क्या रूस पर भी अब आर्थिक प्रतिबंधों की मार होगी? रूबल डॉलर के मुकाबले 40% नीचे गिरा है। स्विफ्ट जैसे बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर कर देना और इन सब से तिल मिलाए हुए पुतिन का सीधे न्यूक्लियर थ्रेट पर आ जाना। जनरल असेंबली की बैठक बुलाई गई है, बातचीत की कोशिशें बेलारूस। अमेरिका इस बीच कहता है कि बेलारूस की सेना भी अब यूक्रेन पर हमला कर सकती है। पहले से ही साथी थे वो व्लादिमीर पुतिन के। ऐसे में ये युद्ध और जंग की नौबत किधर जाती हुई दिख रही है गौरव? अगर बेलारूस की ये बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर ये युद्ध और एक निर्णायक दौर में आएगा, और यही यहां यूक्रेन में लोग कह रहे हैं कि रूस जैसी महाशक्ति को बेलारूस जैसे पड़ोसी की मदद चाहिए यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए या यूक्रेन को डराने गिराने के लिए। और जो यहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि उनको मारने के लिए स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया है, ये यहां पर एक बहुत बड़ा अंदेशा इस बात का है, और इसीलिए हर व्यक्ति को यहां रोक रोक कर उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि अंदेशा ये है कि एक स्पेशल फोर्सेस की, रूसी कमांडोज की एक टीम यहां पर प्लेन क्लोथ्स में, सिविल कपड़ों में है, और उनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह यहां के जितने भी बड़े लोग हैं जो राष्ट्रपति जेलेंस्की के समर्थक हैं, उनको मार दिया जाए, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, और फिर उसके बाद इस देश को घुटनों पर लाया जाए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि एक बार यहां सत्ता परिवर्तन हो गया, सेना को डिमिलिटराइज कर दिया, तो यह युद्ध नहीं होगा। गौरव, इस पर एक काउंटर टेक है विशंबर दयाल साहब का। वो ये कहते हैं कि अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति को ही मारना होता तो सीधा राष्ट्रपति भवन पर हमला करके पुतिन ऐसा कर सकते थे, लेकिन गौरव, वो कह रहे, वो इसे एक टैक्टिक के तौर पर देख रहे हैं। गौरव, मेरा मानना ये है कि जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, हाँ, वो अब किसी प्रेसिडेंट पैलेस में नहीं है, वो अपना जो ऑपरेशनल बंकर है, जो हो सकता है कीव के भी बाहर हो, वो वहां है और बहुत कॉन्फिडेंशियल और बहुत सीक्रेटिव जगह पे है। तो इस किस्म का अगर करना होता पुतिन को तो लड़ाई प्रेसिडेंशियल पैलेस से स्टार्ट होती, उस पर 25 मिसाइल दाग देते पहले दिन जब पार्लियामेंट में थे या वहां थे, रशिया को ये सब पता था। लेकिन मैं नहीं सोचता कि उनका मकसद है उनको मारना। जैसे हम एक चीज पर एग्री कर रहे हैं बहुत दिन से दोनों, कि भाई उनका सत्ता परिवर्तन है, नाटो में ना जाए यूक्रेन, ये मुद्दा है, स्ट्रेटेजिक नाटो में ना जाए, पॉलिटिकल सत्ता बदले और मिलिट्री भाई डॉनबास एरिया उसका हो जाए, डॉनबास एरिया ठीक है, यही से एक्सटेंड करते हुए गौरव, छोटी सी बात बताऊंगा, स्केल इन्वेजन से अगर वो पीछे हट रहे हैं पुतिन अभी तक, क्या बातचीत का फेल हो जाने के बाद फुल स्केल इन्वेजन, जो हम कह रहे हैं कि पूरी क्षमता के साथ रूस बरस सकता है यूक्रेन पर? देखिए, रूस का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन है, ये वो करके रहेगा, ऐसा उसका प्लान है, लेकिन कहीं 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 ना कहीं ये स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन भी उसका हो रहा है कि उसकी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं लेकिन उनका जो ईंधन है वो नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन में ईंधन के डिपोज में आग लगाई या उनके एम्युनिशन डंप्स को टारगेट किया, वैसे ही इनके ईंधन के कॉन्वॉय को टारगेट किया है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स से, इनकी मिसाइल्स को टारगेट किया है यूक्रेन ने, तो यूक्रेन पलटवार भी कर रहा है, जिससे रूस को अब रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है अपनी पूरी स्ट्रेटजी को। प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बॉम्बिंग जल दयाल अगर वो करता तो उसकी जितनी भर्त्सना हो रही है उससे कहीं और ज्यादा भर्त्सना होती, इसीलिए सत्ता परिवर्तन वो करना चाहता है और इसीलिए इनको मारना के चाहता है, ये यूक्रेन कह रहे हैं, उनको संभवतः गिरफ्तार करके या उनको हटा के वो लाना चाहता है। इस बीच यहां पर एक बड़ी घटना और हुई है, जो रूस के समर्थन में कुछ नेता है वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो अब नहीं आ रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या वो छिप गए हैं या वो रूस के पास चले गए हैं कि जब सत्ता परिवर्तन तब वो आएंगे, इस तरह की खबरें भी यहां के टेलीविजन मीडिया पर अब बहुत ज्यादा आ रही हैं। यहां पर तनाव बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गया है, ये सोचते हुए कि अब किसी भी वक्त वो जो कल रात को मिसाइलों का अटैक होने वाला था जो नहीं हुआ, तो अगर बेलारूस की ये बातचीत फेल होती है और अगर बेलारूस भी अटैक करता है तो क्या यूक्रेन इस तरह से दो तरफ से बड़े हमले झेल पाएगा? जब ये कहा जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस को एयरड्रॉप किया जाएगा यूक्रेन में कीव के आसपास, उसके बाद ये लड़ाई एक बहुत भीषण रूप ले सकती है। ये जो न्यूक्लियर पावर थ्रेट उन्होंने दिया है, इसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करें इसको, इस पर, क्योंकि सबकी नजर, आम लोगों से आप बात कीजिए तो सबसे ज्यादा यही चिंता पूरे विश्व में लोगों को हो रही है। आरोप ये लगाया है रूस ने यूक्रेन पर कि यूक्रेन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और यही आरोप ब्रिटेन लगा रहा है। आप बने रहिए गौरव, बने रहिए, फुल फ्रेम इसको काट दीजिए, अपने दर्शकों को जरा बता दें किस तरह से पुतिन का जो एटमी फरमान है
रूस पर पाबंदियां गैर कानूनी करार देते हुए उन्होंने ये अगला कदम उठाया है। पश्चिमी देश आक्रामक बयान दे रहे हैं, इसी से नाराजगी जाहिर करते हुए व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के रूस पर पाबंदियों को गैर कानूनी ठहराते हुए न्यूक्लियर पावर थ्रेट, जो एटमी फरमान उनका एक तरह से है अपनी सेना के लिए, पश्चिमी देश के आक्रामक बयानों के खिलाफ है। जल्दी से इस पर आपकी बात गौरव। जी, वो पश्चिमी देशों को, नेटो के देशों को ये कह रहे हैं कि वो इस लड़ाई में हस्तक्षेप ना करें। किस तरह से हस्तक्षेप ना करें? जिस तरह यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसके हथियार अब कम हो रहे हैं, स्पेशली उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको और चाहिए, क्योंकि अब अगर पूरी तरह से उसका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है या मेजॉरिटी ध्वस्त हो गया है, तो आने वाले दिनों में क्या वो रूस के अटैक्स को और स्पेशली इनकमिंग मिसाइल्स को झेल पाएगा? उसका S-300 सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, ऐसी खबरें यहां पर भी है। क्या पश्चिमी देश उनको ये एयर डिफेंस सिस्टम दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो किस मार्ग से? उसे रोकने के लिए रूस ये न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है कि अगर वेस्ट इसको एस्केलेट करेगा तो रशिया पीछे नहीं हटेगा, वो इस एस्केलेशन के लिए तैयार है। इस एस्केलेशन लैडर पे किस तरह, एक जब आप परमाणु की बात कर देते हैं तो ये एस्केलेशन लैडर एक-एक बहुत तेजी से कई नॉचेस ऊपर जाता है, ये एक-एक नॉच करके, एक-एक सीढ़ी, एक-एक पायदान से ये ऊपर इस समय नहीं जा रहा है, बहुत तेजी से एस्केलेशन लैडर पे खतरा बढ़ रहा है। अंजना।